नेक्सजन वीजा कंसल्टेंट। यूके स्टडी वीजा अप्लाई नाउ गेट 2 ईयर वर्क परमिट आफ्टर कंप्लीट यूर कोर्स। नो कंसोलिडेशन चार्जेस, नो एप्लीकेशन फीस। एड्रेस राम गोपाल एस्टेट, विशन सारूप कॉलोनी, पानीपत। कॉन्टैक्ट नंबर 9094200484। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icon so never miss any new updates. इस राणा हल्के में हम लोग आज सुबह से ही हैं, दोनों प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात करेंगे। अब कैंपेन के ऊपर आप देख रहे हैं दयानंद उलाना बैठे हैं, जेजेपी के उम्मीदवार हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उलाना जी, क्या रुझान है जी टोटल पूरा? आप रुझान देख ही रहे हैं, दोनों विकेट गिर चुकी हैं, अब तो कोई मुकाबले की बात ही रह गई है। जीत चुके हम, मार्जिन देखना कितना बड़ा है। मेरे को उम्मीद है जो युवाओं का जोश है 60,000 से ऊपर जीतेंगे। वार साहब कह रहे हैं कि बड़े मैंने विकास कार्य करवाए हैं, जनता मेरे को जिताएगी। उसने करप्शन के सिवाय कुछ नहीं किया, उसने करप्शन के सिवाय कुछ नहीं किया, उसने कोई विकास का कार्य नहीं कराया। क्या क्या किस तरह का करप्शन की बात कर रहे हैं आप? उनसे 990 करोड़ का घोटाला किया, किलोमीटर बस किलोमीटर में पब्लिक के साथ धोखा किया, पाल मोटर के साथ बोगस कंपनी बनाई और 561 बसें जो हैं वो हर जिले में अलग अलग अपने पैसे लेकर चलवाई हैं और बस को ट्रांसपोर्ट को प्राइवेट करने का काम उन्होंने छोड़ रखा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं, बीजेपी पाक साफ पार्टी, उनके FIR जमा लोड हो रखी है और पता लग जाएगा सरकार जाने के बाद कौन कौन जिम्मेवार होंगे। और वो जो एक ही कंप्यूटर से जो ईमेल टेंडरिंग हुई है और तीनों कंपनी उन्हीं की है, दो बोगस है और एक उन्होंने जो पाल मोटर्स को टेंडर सटवाड़ा था वो टेंडर सटवाया। आप ये मुद्दा उठा रहे हैं पब्लिक के बीच में जाके बता रहे हैं? हाँ, ये मुद्दा पब्लिक में उठा रहे हैं हम, पब्लिक को पहले ही पता है, पब्लिक को मीडिया में आ चुका है और मीडिया भी इस मुद्दे को उठा रही है। तो अभी आप जनता के बीच क्या वायदे लेके जा रहे हैं? एक तो पवार साहब का मुद्दा उठा रहे हैं, और क्या वायदे लेके जा रहे हैं जनता के बीच में? मुद्दा हमारा ये है, सबसे पहले स्वास्थ्य का है, हम 4-5 गाँव के बीच में लेके हम CHC बनवाने का काम करेंगे, जाके गरीब लोगों को अपने इलाज के लिए सुविधा मिल सके और किसानों के लिए बिजली की जो दिक्कत है उस दिक्कत को खत्म करेंगे और चौधरी दुष्यंत चौटाला जो किसानों को बिजली के बिल हैं उनको माफ करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो पैसे ऐसने का काम करती है 2-2 लाख रुपए तो हम फ्री कनेक्शन देने का काम करेंगे। लेकिन बलबीर वाल्मीकि जी कुछ और कह रहे हैं इस बारी, क्योंकि मैं पहले भी 1800 वोटों से हार गया लेकिन ये कई बार जनता जो है मेरी तरफ है। उसका विरोध तो उसे गांव में ही है, जो आदमी गांव में जिसकी राजनीति जीरो है वो दूसरे हलकों में पूरे इसरण हलके में उसकी राजनीति कैसे हो सकती है? उसके सारे नेता जितने भी नेता हैं कांग्रेस के उनके पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। इसराना क्योंकि परिवहन मंत्री हैं कृष्ण पवार जी, इसराना के बस अड्डे को लेकर वो कहते हैं कि बस अड्डा बनवाएंगे, बसें होंगी खड़ी, आपको लगता है कि बस अड्डे बन गई? बस अड्डे तो बनना चाहिए, मतलब अड्डा भी बनना चाहिए, हम बनवाएंगे, इसराना बनवाएंगे और बेटियों के लिए अलग से
प्रोविजन करेंगे हम, अलग बसें होंगी और खासकर जो मोर माजरा में गुरुकुल है उसका हम मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे, सबसे बड़ा काम करेंगे। आपके मजबूत एक दावेदार थे जेजेपी के बलवान वाल्मीकि, वो पार्टी छोड़ गए, फर्क पड़ेगा कुछ? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें उल्टा फायदा हुआ उसके वहां जाने से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। इनेलो टूटने का भी कुछ होगा? इनेलो की जो नीतियां थी वो एक तरफ हो गई है, इनेलो के पास तो नीतियां नहीं है चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल की, दुष्यंत चौटाला जी के पास जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियां हैं और उनकी नीतियों पर आज पूरे 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 प्रदेश में जोश है और दुष्यंत मुख्यमंत्री बनेगा हर हालत में। दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं प्रचार में आपके? दुष्यंत चौटाला कल प्रचार में आ रहे हैं और कल पता लगेगा, आप भी आना, हम आपका निमंत्रण दे रहे हैं। एक तरफ खट्टर की रैली है, एक तरफ खट्टर की रैली है, एक हमारी रैली है, कल ही फैसला हो जाएगा। लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं बीजेपी के बारे में, कुछ पवार साहब के बारे में कुछ बोलते हैं? बीजेपी के बारे में लोग कह रहे हैं, लोग अभी ठगने का काम किया है, झूठ बोलकर वोट ली थी और अब उनकी पोल खुल गई है, अब ये 75 बार की बात करते हैं, अब इनकी 7 बार भी नहीं होगी, 8 नहीं पार करेंगे। आप कितनी सीटें ले जाएंगे हरियाणा? हम 60 के करीब सीटें लेंगे हम। आप बताओ जी क्या कहना चाहेंगे? आज आप जो ये जन स्लेब आप देख रहे हैं, जो ये नारे से इधर से आया है और आगे हरियाणा में, ये तो आपको बताता ही है कि एक सीट क्लियर है। तो जो दूसरी बात, आप परिवहन मंत्री ने 5 साल एक झूठे वादे करके लोगों को किसी का कोई काम नहीं किया, घोटाले किए उसके, इसको तो नकार दिया, ये तो तीसरे नंबर पे भी जमानत जबत बचा लेगा पवार, तो बहुत एक बात होगी। तो बात बाकी रही बलबीर ग्वालड़े की, जिसका उसका गांव ही उसको विरोध कर रहा है, 2 बार उसके गांव ने उसको हराया है, एक ही अपील कर रहा है भाई, अगर गांव को बचाना है, अगर हल्के को बचाना है तो इसको वोट मत देना, तो उसको तो पब्लिक वैसे ही नकार रही है, बहुत भारी मतों से दयानंद उरलाना जी जीत रहे। बिल्कुल भारी मतों से जीत रहे हैं, जैसा कि आश्वस्त लग रहे हैं कि भारी मतों से जीतेंगे, और दुष्यंत चौटाला जो है उनके नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे बता भी इधरा? आने वाला समय जननायक जनता पार्टी का होगा, हल्का इसराना से दयानंद उरलाना जी भारी मतों से विजय प्राप्त करके विधानसभा में बैठेंगे और इसराना के का पूरा विकास कराएंगे, हट जाएगा यू घोर अंधेरा और अटके फिर उजाला होगा जब इसराना का विधायक भाई दयानंद उरलाना होगा। बता भी बोल क्या कहना चाहते? बस होगा। चलो ये थे दयानंद उरलाना मेरे साथ, तीनों कैंडिडेटों को सुना, तीनों ही आश्वस्त लग रहे हैं, लेकिन पवार साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट थोड़ी ज़्यादा थी, वो कह रहे थे कि वो चुनाव जो जीत गए हैं, तो फिलहाल इंतजार करेंगे तीनों प्रत्याशियों में कौन किसको टक्कर देगा। जेजेपी के नेता राज सिंह सुताना भी हमारे साथ हैं, काफिले में चल रहे थे। सुताना जी क्या माहौल लग रहे हैं? माहौल एक तरफा है सरदार जी, इसमें कोई पूछने की बात नहीं, 30 साल से ये जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको तो इस हल्के ने भुगत लिया है, और जो यू कांग्रेस का कैंडिडेट है इसकी हल्के में बहुत ज़्यादा खिलाफत है, यू लड़का जो है इसकी खिलाफत इसके गांव से शुरू होती है और धुर रेर लास्ट गांव रेर पड़ता है, रेर तक इसकी खिलाफत है और इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं, ये तो एक तरफा ही अब समझो दयानंद उरलाना की लहर है, और इस लहर के कारण दुष्यंत चौटाला भावी सीएम होंगे इस हरियाणा के। किसान वर्ग इतना खुश है इसके ऊपर कि जो इनके लिए ट्रैक्टर का और ये जो बाइक का, ये जो नाजायज चलान थोपे गए हैं लोगों पर, लोग इससे कड़ा विरोध कर रहे हैं, इस विरोध के कारण ही ये बिल्कुल सफाया होगा इसका। जैसे पिछले टाइम में आता 4 कांधियर 1 करोड़ वाली, इसके 4 MLA जेंट्स बनेंगे बीजेपी के और 1 MLA लेडीज बनेगी, ये निचोड़ है टोटल बात का। ये निचोड़ है, आशीर्वाद है, भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है। अच्छा। हाँ ये पक्का पक्का भविष्यवाणी है, ये हरियाणा की जनता का आशीर्वाद है जी। और दयानंद हाँ आप बोलना चाहिए कुछ? सर जो कल दुष्यंत चौटाला जी ने 80 वैकेंसी पे, एसडीओ के 80 वैकेंसी पे जो कल मुद्दा पहले मुद्दा उठाया था, इन्होंने अर्जेंटली इसको रद्द किया है क्योंकि ये भ्रष्टाचारी थी, इसलिए इन्होंने रद्द किया है, और इस इसराना हल्का दयानंद उरलाना जी का साथ दे रही है और इस सीट को दुष्यंत चौटाला जी की झोली में डालेंगी, और पूरे आप देख रहे हो पूरे थल बल के साथ सारा जन समर्थन और इसराना हल्का का मिल रहा है। आप क्या बोलना चाहेंगे भाई? हम तो एक का बोलेंगे,
तीसरे तो छे तोवेंगे अग्यू नहीं आता और बस छा उन्हें नहीं बाहर होने देते और दूसरे चौटाल बनाओगे इनके आगे कुछ भी नहीं। नया नेता युवा नेता और सब ने युवा चाहे है एक बार देता और बंधन धंधा चाहे है अरे तो सब के तोड़ पा रहे हैं। पुराना नेता हो तो आपका है? पुराना नेता आपका वो तो पहले तो इनेलो से था। नया नेता भाई दुष्यंत चौटाला नया नेता दुष्यंत चौटाला इसने बढ़ाओगे भाई तय चलता है अरे जोर कर एक बार सबकी सब भाई दुष्यंत चौटाला खेल रहा और कल इतने भी ज्यादा बजट घट घट रहा पाओगे बजट गए और कल ने देख लिया सराने में नौकरा दुष्यंत दिखेगा उड़ा नौकरा दुष्यंत जोश है जनता में लेकिन टाइम आएगा देखते हैं क्या रहेगा। हाँ बोलो बोलो। ये जो यहाँ के हमारे हलका के मंत्री थे कृष्णलाल पवार जी इन्होंने यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार फैलाया है हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर और अभी हमारे बहुत ही अच्छे नेक इंसान दयानंद धुरलाना जी अभी बाहरी मतों से विजयी बनाएंगे और सारे भ्रष्टाचार का जितना इसने पुलिंदा बांधा उसको ओपन करके ले आएंगे। कौन सा क्या भ्रष्टाचार फैला? इन्होंने रोडवेज का बहुत भ्रष्टाचार किया। इन्होंने गाँवों में जो पैसा दिया था उसका गलत यूज किया सभी ने मिलकर जिसमें पूरा मंत्री का साथ है सहयोग है उसका पूरा पूरा और इसको सब हम उजागर करके रहेंगे। तो जोश है लोगों में बुजुर्गों में जोश है बुजुर्गों को सुना दयानंद उलाना को सुना युवाओं को सुना लेकिन मुकाबला जो है अभी तक त्रिकोणीय मुकाबला जो है बताया जा रहा है बीजेपी से कृष्णलाल पवार हैं अभी ये नहीं कहा जा सकता कि जीत किसकी होगी। 5 दिन और गुजर जाने दें जब 4-5 दिन रह जाएंगे तब जाकर सही पता लग पाएगा कि कौन है लेकिन अभी तक की जो फिलहाल स्थिति नज़र आ रही है त्रिकोणीय मुकाबला है कांग्रेस बीजेपी और जेजेपी इन तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है तो 21 तारीख के बाद फाइनल होगा कि मत किसकी पेटी में ज्यादा जाएंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत एएसएम आरू लगाओ पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन एसी पर फ्री गिफ्ट 10% कैश बैक 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।